आप एक इमोशनल पर्सन हैं, फिर इस तरह का तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के वीडियो के बारे में? यार एक कॉज के लिए वीडियो किया है, मतलब जब मेरे पास आया गया ये गाना, ये धीरज कोटकर हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है या कॉन्सेप्चुलाइज किया है ये गाना, वो दोस्त हैं अच्छे, तो उनका फ़ोन आया कि एक वीडियो है, हम स्ट्रीट किड्स के लिए एक वीडियो बनाना चाहते हैं, इसमें आप हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने कहा डेफिनेटली। गाना सुना, बहुत हार्ड हिटिंग था। ये फयाज़ अहमद फयाज़ की ये पोएम है जिसका ये अडेप्टेशन है, जिनका नाम कुत्ते है इस गाने का नाम, जो उन्होंने डिपिक्ट किया था कि सिस्टम गरीब लोगों को कुत्तों की तरह ट्रीट करता। तो जब ये सुना और ये चीज़ें पता चली तब लगा यार कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं होगी इस चीज़ को लेकर, पर एट द सेम टाइम जब नंबर्स सामने आए, स्ट्रीट किड्स के जितने भी नंबर्स हैं, आप चौंक जाएंगे खुद कि इंडिया में इस वक्त 11 मिलियन बच्चे सड़क पे हैं, मतलब 1,10,00,000 बच्चा सड़क पे है, जिसमें से हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। 55% उनमें से जो गायब बच्चे हैं वो लड़कियाँ हैं। 53% ऑफ स्ट्रीट किड्स दे आर अब्यूज्ड इन वन फॉर्म और द अदर। इसके अंदर 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख जो सेक्स वर्कर्स हैं दे आर बिलो द एज ऑफ 18। 44,000 जो बच्चे हर साल क्राइम में इनिशिएट होते हैं, और जितनी फिगर्स हैं 2011 से एनुअली 100,000 बच्चा हर साल मिसिंग जाता है, जिसमें से 45% दे नेवर कम बैक, दे नेवर ट्रेस्ड, वो इधर मारे जाते हैं या बैगिंग में जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर है जो सुन के मैं घबरा गया था, और जब यही बच्चे जो हर साल 44,000 बच्चे क्राइम में इनिशिएट होते हैं, वो टेररिस्ट बनते हैं, वो किलर्स बनते हैं, वो थीफ बनते हैं, वो रेपिस्ट बनते हैं, हम उन्हें सोसाइटी का मैनेज पढ़ाते हैं, मगर उनके लिए हम करते क्या, इन चीज़ों को सुधारने के लिए हम करते क्या, कुछ नहीं। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है कि इस गाने के थ्रू आप अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों तक ये बात पहुंचाएं, कि ये नंबर्स पहुंचाएं, ये स्टैटिस्टिक्स पहुंचाएं कि इतनी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, और ये इतना बड़ा नंबर है सोसाइटी में, इंडिया में, जिसे हमें सुधारना चाहिए, सबको मिलकर सुधारना चाहिए। सो एज़ एक्टर्स और आप लोग सब मीडिया, हम सबको मिलकर इसको जितना हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकें उतना अच्छा है, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें, फ्यूचर सबका इन टर्म्स सोसाइटी सब ठीक हो आगे जाके। और एट द सेम टाइम ये चीज़ें जो हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये तभी जाके बेटर होंगे, ये तभी आगे सुधरेंगे जब हम सब कलेक्टिवली काम करेंगे साथ। यार ये पोएम है जैसे मैंने बोला, उसका अडेप्टेशन 1943 में लिखी गई थी ये पोएम, तो ये उसका अडेप्टेशन है। हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कर रहे, हम किसी भी गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, हम एज होल एज सोसाइटी, हम लोग भी कई बार स्ट्रीट किड्स को हम उन्हें ट्रीट बहुत गलत तरीके से कर रहे होते हैं। आपके पास कोई गाड़ी के पास आता है, उसका चचित भाग ऐसे बात करते हैं या भगाते हैं। शुरू में जब वो छोटा होता है तब कुछ नहीं कर पाता, मगर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वही आदमी छीनता है, वही लड़का बड़ा होकर छीनता है, तो ये गलत कामों में पड़ता है, फिर हम ब्लेम करते हैं यार ये तो सोसाइटी के मैनेस है, इनका क्या कर सकते हैं। बट देखिए, तीन चीज़ें ये उठाने का ही, अवेयरनेस का, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फूड, एजुकेशन एंड शेल्टर, ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हम अवेयरनेस फैला सकें, कि लोग किसी तरीके से भी हेल्प करें, मगर हेल्प करें, मतलब कि अगर आपको किसी एनजीओ के साथ, मैं किसी एनजीओ के साथ नहीं जुड़ा, ये एक सिर्फ एक हमने वीडियो किया अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि हम लोग आवाज़ पहुंचा सकें कि इतने लोगों के साथ या इतने नंबर्स हैं जो अभी तक सड़क पे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, तो आप किसी तरीके से भी हेल्प करें उनकी, एनजीओ के थ्रू जुड़ के डायरेक्टली जाके आपको उनकी हेल्प करनी, मगर एक पिक्चर खींच लीजिए। सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप एक पिक्चर करके अपलोड कर दीजिए, आज अपने 4 बच्चों की खाने में सहायता की, या पढ़ने में, या उनके घर में रहने के लिए, तो वही 4 लोगों के जो दोस्त होंगे, जो काम करने के आसपास का एनवायरनमेंट होगा, जो रिश्तेदार होंगे, 100 में से 20 तो और जुड़ेंगे। तो ऐसे करते करते ही हमें ये चेन बनानी है सबको मिलकर, तो इसीलिए ये गाना किया। गौतम, आपने एक लाइन डाली है उसमें, धुतकार बनती है पैसे की कमाई का, तो वो एक तरह से रैकेट भी चलता है कि बच्चों को लिया जाता है और भीख मंगवाया जाता है, तो इस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये है तो बहुत सीरियस इशू, मेरा यहाँ पे सिर्फ एक मोटिव है आने का,
मैं जितना इसके बारे में बात कर सकूँ या अवेयरनेस फैला सकूँ, इसलिए मैं बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मैं पहला स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी एनजीओ से नहीं जुड़ा, मैं किसी का वेट नहीं किया यार मैं इस एनजीओ से जुड़ूंगा तो वो लोग आएंगे इससे अलग चीज़ें करेंगे। मेरा सिंपल एक चीज़ थी कि यार किसी तरह जब, क्योंकि ये मैंने भी नंबर्स सुने, मैं खुद हक्का बक्का रह गया था, गाना सुना मैंने कहा ठीक है अच्छा है ठीक है, हार्ड हिटिंग है, हल्का कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, मगर जब नंबर सामने आए तो मैं सब भूल गया। मैंने कहा नहीं यार इसके लिए तो कुछ करना, इसलिए हम सबको मिल के इसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि जो चीज़ें हैं जो नंबर्स हैं वो दिन पे दिन गिरे, और जितने बच्चों की हेल्प कर सकें उतना अच्छा है, दुआएं मिलेंगी यार उसी के लिए काम। आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या अपने? मैं चाहता हूँ कि वो इसमें आएँ, देखें ये नंबर्स, जितना वो हेल्प कर सकते हैं अपने तरीके से, जो करते भी हैं। बट वो हो जाता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं यार अच्छा काम करते हो तो उसके बारे में बात क्यों करनी है। उसके बारे में बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, आप करते हैं ठीक है, मगर आपके साथ 50 लोग और जुड़ने चाहिए ना, या 100 लोग और जुड़ने चाहिए। आपकी अकेले की हिम्मत दिखाई आपने 10 बच्चों का संभाल लिया, मगर वही जो आप कर रहे हैं अगर उसके बारे में 10 लोगों को पता हो तो आपके साथ जो 10 रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, काम करने वाले होंगे, उसमें से 5 तो उठेंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये अच्छा काम कर रहा है हम भी करते हैं, पता क्या करना है। सो इसलिए मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबसे कि किसी तरीके से भी करिए, मगर करिए। आप एक पिक्चर अपलोड कर दीजिए सोशल मीडिया पर, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो आप एक फ़ोटो खींच के एक वीडियो बना के अपने घर वालों को दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, यार ये मैं अच्छा काम करके आया हूँ, मुझे लगता है तुझे भी करना चाहिए। और जितने भी आसपास आते हैं आप जो नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनको धुतकारिए मत, उन्हें कुत्तों की तरह ट्रीटमेंट कीजिए, उनको इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए। गौतम, पर्सनली आपने इसके पहले एल्बम को पहले कुछ ऐसा किया, कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहिए? नहीं यार, मैं अपने छोटे वे में जो करता था, मतलब मैं गाड़ी में बिस्किट्स रखता हूँ या थोड़ा अनाज रखता हूँ, जब भी मंदिर के बाहर से अब आते हैं तो जो भी नीडी लोग होते हैं उनको राशन खरीदवा दिया, किसी को कुछ खाना दे दिया, मगर ये बहुत ही छोटे पैमाने पर हो रहा था जो मैं करता था, और मैं इसके बारे में भूलने की ज़रूरत नहीं होती किसी को। मगर ये है कि यार जब नंबर्स पता चले और ये कॉस्ट पता चला तो मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटी चीज़ कर रहा हूँ मैं, और इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा तो मतलब क्या। जो भी एक एक्टर होने की एक ब्लेसिंग भी होता है कि एक आप जब बोलते हैं या आप टीवी पे आते हैं तो कम से कम जो आपका काम पसंद करते हैं तो वो कम से कम इस चीज़ को देखेंगे तो सही। लाख लोग देखें, 10,000 भी आ जाएं साथ में, बहुत हो जाएगा। मैडम, लास्ट सवाल आपसे, होली आ रही है, होली पे आपकी क्या तैयारियां और किस तरह से देशवासियों को विश करना चाहेंगे? यार होली है, होली हार्दिक शुभकामनाएं सारे दर्शकों को होली की, खेलिए सेफ, खेलिए होली, ज़्यादा पानी वेस्ट मत कीजिए और रंग कम उड़ाइए। हैप्पी होली।